ये जो वॉलंटियर का काम है, यदि किसी से बात हो रही थी तो ये हुआ कि काम धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वॉलंटियर को तैयार करना है, तो ये बात ध्यान में है कि वॉलंटियर को तैयार करना है, फिर तो वॉलंटियर हुआ नहीं। जिसको हम तैयार करेंगे वॉलंटियरिंग करने के लिए, इसका मतलब वॉलंटियर नहीं है। तो वॉलंटियर का तो मतलब यह है कि खुद से उसको लग रहा है कि कुछ करना है और वो करने के लिए अपने को प्रस्तुत कर रहा है कि मैं करूंगा, तभी तो वॉलंटियर है, नहीं तो वॉलंटियर नहीं हुआ, फिर तो हम उसको काम दे रहे हैं। तो बहुत जिम्मेदारी का काम है मुझे लगता है कि वॉलंटियर का जो काम है, और समाज में जितना भी बड़ा काम हुआ है मुझे लगता है कि वो इसी तरह से ही हुआ है, वॉलंटियर लोगों ने किया। और वॉलंटियर का मतलब ये है कि उसको लगता है कि ये मेरा काम है, उसको ये नहीं लगता है कि किसी और का काम है, कि एसीटी का काम है, कि किसी दूसरे व्यक्ति का काम है, कि मैं कर रहा हूँ, उसको लगता है कि ये मेरा काम है और मुझे करना है। इस फील के साथ जब वो खड़ा रहता है तो ज़्यादा ठीक से कर पाते। वो मैं पुणे में कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें गया था, तो कोई बात हो रही थी तो कोई दीदी थी, उन्होंने कहा कि भैया मतलब हम लोग से कोई गलती हो जाती है ना तो आप लोग की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है, कोई कुछ बोलता नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लेते आसानी से। मैंने कहा उसका कारण ये है कि हमें से ज़्यादातर लोगों को, सबको ही लगभग ये लगता है कि ये मेरा काम है जो आप कर रहे हैं, तो अगर आप मेरे काम को कर रहे हैं तो थोड़ा गलत भी करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, कर तो रहे हैं ना, तो इसलिए वो गुस्सा नहीं आता है। तो जब हम इस फील के साथ होते हैं कि ये मेरा काम है और इसको हमको करना है और नहीं कर पाते, मतलब जितना कर पाते हैं, लिमिटेशन है शरीर का और मन का, तो उसके साथ जो और लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं वो खुद भी कहते हैं कि मुझे भी करना है, मेरा काम है, वो उस बात को समझ पाते हैं तो उसको करना शुरू करते हैं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है वॉलंटियर का। उसमें मुझे लगता है कि एक जो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि धीरे धीरे, और धीरे धीरे ये शिफ्ट होता है, एक दिन नहीं होगा कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ और जो मैं अभी काम कर रहा हूँ उससे अपेक्षा क्या है मेरी, उससे आउटकम क्या चाहता हूँ। तो शुरू में ऐसा हो सकता है, कई बार लगता है कि मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ या किसी और का काम कर रहा हूँ या एसीटी का काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे ये शिफ्ट होता है कि ये नहीं, ये मेरा काम है। कल से जो बात हो रही है उससे ये बात ध्यान में आ रही है कि सेल्फ डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट और सोसाइटल डेवलपमेंट, ये तीनों ही काम है और ये तीनों ही मेरा काम है। किसी से बात करते हुए ये बात हुआ कि भाई ऐसे थोड़ी बुद्धि विलास की बात है लेकिन बता देता हूँ, उसका बहुत वो नहीं है, कहा कि भाई बहुत प्रयास करके भी लगता है शरीर यात्रा में जो है ज्ञान जो है नहीं होगा, तो काय लिए लगे हुए हैं। तो एक उसका तर्क ये है कि भाई इसलिए लगे हुए कम से कम वातावरण बना रहे, तो अगली शरीर यात्रा में आए तो वातावरण मिल जाए, तो फिर यात्रा शुरू करें, वातावरण नहीं मिलेगा तो फिर जीरो से शुरू करेंगे, तो कम से कम जो कर रहे हैं उस इतने के लिए तो कर रहे हैं कि एक वातावरण बना रहे ताकि फिर से आए शुरू करें तो एक वातावरण हो ताकि हमको एक अनुकूलता मिल जाए और फिर वहां से शुरू कर पाए। मतलब इसको अदरवाइज ना लिया, मैं दूसरे उसमें कह दी किसी से चर्चा में बात आई, तो मतलब ये ध्यान में आता है कि अपने लिए ही कर रहा हूँ, मतलब किसी और के लिए कर रहा हूँ ये बात नहीं है, ये मेरे लिए ही है, मतलब मेरे आगे के लिए जगह बना रहा हूँ, मेरा भी जितना बन जाएगा जितना भी कर पाऊंगा करूंगा, नहीं तो कम से कम अपने लिए या अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी है, मतलब विश्व परिवार तक उसको फैल के देख सकते हैं, तो ये अपना काम है। इसको मतलब अगर ध्यान से देखेंगे तो अपने को समझ में आता है। तो ये धीरे धीरे शिफ्ट होगा कि किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने के लिए कर रहा हूँ। और दूसरी जो बात है कि इसे अपेक्षा क्या है मेरी, तो अभी अलग अलग लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, उस हिसाब से लोग उसको ठीक से जानते होंगे। धीरे धीरे ये शिफ्ट होगा कि मतलब मेरी तृप्ति इसकी अपेक्षा, मतलब मैं सुखी हूँ, मैं तृप्त हो जाऊँ, यही अपेक्षा ठीक बैठेगी। अन्यथा सम्मान पाना है या कुछ करना है, कुछ दिखाना है या किसी को प्रूफ करना है, ये जब तक रहता है तब तक उसका एक असंतोष अपने में कहीं ना कहीं बना रहता है। धीरे धीरे ये बात जब ध्यान में आ जाए कि मेरी तृप्ति का काम है, मैं इसको करके तृप्त होता हूँ, मेरे सुख का काम है, मैं सुखी होता हूँ। वो कहते हैं ना कि सम्मान, हम जब किसी के साथ सम्मान से व्यक्त हो रहे हैं तो सामने वाले का हम सम्मान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सामने वाला सुखी हो जाए, मैं अपमान के भाव से भर के दुखी होता हूँ तो मेरे पास कोई चॉइस है नहीं, मुझे तो सम्मान के भाव से ही भरना होगा तभी तो मैं सुखी हो पाऊंगा, इसलिए मैं सामने वाले के साथ अगर व्यक्त हो रहा हूँ सम्मान में पूर्वक, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि सामने वाला को खुश करने के लिए कर रहा हूँ।
मैं अपनी तृप्ति के लिए कर रहा हूँ, ये बात धीरे धीरे अपने में शिफ्ट होनी है, ध्यान में आनी है। वो जितना जितना ध्यान में आती है उतना उतना हमारा मन भी लगता है उसको करने में, फिर हमारा तन भी लगता है और फिर हमारा धन भी लगता है। जब तक ये नहीं लगता है कि ये मेरा काम है, तब तक वो मन भी नहीं लगता, तन भी नहीं लगता और फिर धन भी नहीं लगता। तो समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसमें मन तन धन लोग लगा रहे हैं तभी चीजें चल रही हैं। अगर ये मन तन और धन नहीं लगेगा तो चीजें रुक जाएंगी, चल नहीं पाएंगे। और ये तीनों की जगह जगह पे आवश्यकता लगती है। तो जहां मन की जरूरत है वहां मन लगाने की जरूरत पड़ती है, कहां जहां तन लगाने की जरूरत है वहां तन लगाने की जरूरत पड़ती है, और कभी धन लगाने की जरूरत पड़ती है तो वहां धन लगाना पड़ता है। और ये तीनों को ही उचित समय पे उसको लगाना आवश्यक है। और वो लगा के मन लगा के हमको मन की तृप्ति मिलती है, तन को लगा के भी लगता है कि उस काम के लिए लगाया, एक सार्थक काम के लिए लगाया, और धन लगा के लगता है कि ये मेरा जो धन है ये सार्थकता में लगा है, अदरवाइज तो हाँ उसका सार्थकता में वो गया है और उस धन का सदुपयोग हुआ है, अदरवाइज तो दुरुपयोग चल ही रहा है। तो जिसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते तो उसका दुरुपयोग कर ही रहे हैं, अगर सदुपयोग नहीं हो रहा है तो अदरवाइज हो ही रहा है। तो हम अपने मन का भी सदुपयोग कर पाए, धन का भी सदुपयोग कर पाए और धन का भी सदुपयोग कर पाए, ऐसी परंपरा अपने आप हमेशा से रही है। कल भी उस पर कई बार बात हुई और वो परंपरा रही है, वो परंपरा चलती जा रही है और उस परंपरा के ही धीरे धीरे हम सब लोग भी धारक वाहक बन जाए, ऐसा ही हम सब लोगों का ही सोचना है। तो उस क्रम में जो है, पहले भी कल भी इस पे मुझे लगता है किसी संदर्भ में सर ने इस बात को कहा कि जो समाज का जो काम जब करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत तो पड़ती है। हम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को पैसा ना लेना है ना देना है यहाँ से शुरू किया है और यही रहेगा आगे भी। कोई भी वर्कशॉप जो होगी उसका कोई चार्ज होगा, कभी ऐसा नहीं उसका पैसा लेके उसका लॉजिक अलग अलग लोग अलग अलग समय पर अलग अलग देते रहते हैं कि नहीं लेंगे तो सीरियसनेस नहीं होगी। कोई लोग कहते हैं कि लेंगे तो फिर भी उसका उसमें फर्स्ट आएंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जब पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए कहीं ना कहीं तन मन धन तीनों की जरूरत पड़ती है। तो धीरे धीरे जो लोग मन लगाने लगते हैं उनके साथ फिर ये भी बात होना जरूरी है कि तन भी लगाना है, और फिर तन और मन जो लोग लगा लेते हैं धीरे धीरे उनको ये भी ध्यान में आना जरूरी है कि धन भी लगाना है, क्योंकि व्यवस्थाएं चलेंगी नहीं। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान आया कि ये बात भी आप लोगों के साथ कर लेना आवश्यक है, क्योंकि एक और ऐसे ही बात ध्यान में आ गई, उसका भी रेफरेंस पे नहीं जाइएगा। मतलब मैं बहुत पहले कभी सोच रहा था कि ये अस्तित्व का हर एक इकाई, हर एक परमाणु उर्जित है, तो सब अगर हर इकाई हर परमाणु अगर उर्जित है तो हम खाना क्यों खा रहे हैं भाई, हर परमाणु उर्जित है, हमारे शरीर का एक एक प्राण कोश सब उर्जित है, हर इकाई उर्जित है, शून्य के अस्तित्व में रहते हुए ऊर्जा उपलब्ध है। तो फिर मैंने ऐसा सोचा, पता नहीं वो कितना सही है, फिर मैंने ऐसा सोचा कि ये खाना हम खा रहे हैं ना वो इसलिए नहीं खा रहे हैं कि उस परमाणु को ऊर्जा देना है, उस परमाणु का जो व्यवस्था है संगठन जो बना है शरीर के रूप में वो बना रह सके इसके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है, इसलिए वो खाना दे रहे हैं उसको पोषण करने के लिए, कि वो जो संरचना है जो संगठन है उसका जो व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्था बनी रहे। तो परमाणु ऊर्जित होते हुए उसको जोड़ने रखने के लिए कोई ऊर्जा लगानी पड़ती है। तो ऐसे ही कोई मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्र है और वो व्यवस्था में भागीदारी करना ही चाहता है, लेकिन जब व्यवस्था में भागीदारी के लिए आप एक व्यवस्था बनाने जाते हैं तो उस व्यवस्था को बनाने में बहुत सारा तन मन धन लगता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बात का जो है प्रस्ताव आप लोग के सामने रखना है कि हम जितना धीरे धीरे मन लगा रहे हैं धीरे धीरे तन लगा रहे हैं धीरे धीरे धन लगाने की भी आवश्यकता लगती है, और उसके कई सारे जगह पे आवश्यकता है। जो लोग मतलब धीरे धीरे जब बहुत क्लोज आते जाते हैं तो खुद फील करने लगते हैं और खुद ही कहने लगते हैं, कल से कई लोग कह चुके हैं इस बात को, तो उन लोगों ने कहा कि इसको सामूहिक तौर पे ही चर्चा कर लेना ज़्यादा ठीक है, अलग अलग सबसे क्या बात करना है। तो जितना आप धीरे धीरे कनेक्ट होते हैं उतना उतना आपको फील होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से इसको कहूँगा कि जैसे कोई भी एक व्यक्ति है जो जिसके बारे में हमको लगता है कि ये व्यक्ति का मतलब सदुपयोग जो है हमारे पूरे इस कार्यक्रम के लिए बहुत ज़्यादा है, इन व्यक्ति की आवश्यकता को परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये जो समय लगा रहे हैं अदरवाइज किसी कॉलेज में या किसी संस्था में कहीं पर कुछ कर रहे हैं, वो उतना जो है समय उनका बहुत सार्थकता में नहीं लग पा रहा है, और वो अगर समय यहाँ पर लगाएं तो हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं पूरी टीम के रूप में। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम कहें कि भाई आप फ्री हो जाइए तो फिर उनकी आवश्यकता को पूरा तो करना पड़ेगा।
और उसकी आवश्यकता को कौन पूरा करेगा, क्योंकि पूरे सिस्टम में कहीं पैसा तो हम लोग इन्वॉल्व है नहीं। तो ऐसे को ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि हमारे बीच कहीं कुछ लोग इस बात को सोचें कि भाई उनकी कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसकी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। कैसे करेंगे, अगर एक व्यक्ति को एक परिवार की आवश्यकता पूरा करना तो बहुत कठिन पड़ जाएगा, लेकिन अगर 100 लोग सोचें कि हम कर सकते हैं और वो क्वार्टरली या मंथली या सिक्स मंथली कुछ कंट्रीब्यूट करने का सोचें, तो अगर एक मंथली 1,000 रुपये भी अगर एक व्यक्ति सोच रहा है और 50 लोग भी सोच लिए तो हो गया काम, 50,000 तो सीधा सीधा आएगा। तो जो भी अच्छा, ये भी बात बहुत निश्चित है कि जो भी जिस व्यक्ति के बारे हमको या पूरी टीम को, हमको का मतलब पूरी टीम को है, पूरी टीम को जब लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, ये पैसा कमाने के लिए जो समय लगा रहा है उससे सार्थकता में, तो इसका बिल्कुल ये निश्चित मतलब होगा कि अब उसकी आवश्यकता बहुत निश्चित हो गई है। ऐसा नहीं है कि उसको मतलब बहुत पैसा चाहिए, अब उसकी आवश्यकता बहुत निश्चित हो गई है, उसके परिवार की आवश्यकता निश्चित हो गई है, समृद्धि के भाव को धीरे धीरे वो फील कर रहे हैं, तो उनकी एक मिनिमम जो आवश्यकता है, और मिनिमम कहना ठीक नहीं लगता है, उनकी जो आवश्यकता है समृद्धि के रूप में जो जितना उनके परिवार को चलाने के लिए चाहिए वो बहुत ज़्यादा फिर नहीं होता है। तो फिर कई सारे लोग तैयार होते हैं जो इस काम को कर सकते हैं, कई सारे ऐसे परिवार हैं जो सपोर्ट कर पाते हैं। जैसे मैं मतलब अभी तक जितना वो रहा तो मेरे परिवार में आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं जॉब नहीं करूँगा, ऐसा मैंने तय किया, नहीं किया, जरूरत नहीं है, सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बाकी हर परिवार में ऐसा नहीं होगा, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका पूरा परिवार फाइनेंशियल डिपेंडेंट है, तो वो उनको उतनी अगर आवश्यकता पूरी कर सकते हैं तो ऐसे लोगों को हम सोच सकते हैं। या सॉफ्टवेयर के टिप जैसे भी कई सारे स्किल्स हम अभी अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें से बहुत सारे लोगों को नहीं आती है तो उसको आउटसोर्स करना पड़ेगा, तो अगर किसी को आउटसोर्स करते हैं तो उसको पैसा हम कहाँ से देंगे। तो ऐसा है कि हम लोग कोई भी जैसे CSR का फंड या कोई गवर्नमेंट एजेंसी से किसी तरह का फंड लेने का नहीं सोचते, और वो ठीक भी नहीं है, वो पैसा जहाँ भी इन्वॉल्व होती है चीज़ें और फिर थोड़ा वो होती है, तो हम लोग ही उस बात को सोच पाएँ और उसके लिए जो भी हमको लगता है वो हम एक कमिटमेंट बना पाएँ अपने में, उसको जैसे भी कर सकते हैं उसको कर पाएँ, क्वार्टरली कर पाएँ, मंथली कर पाएँ, सिक्स मंथली कर पाएँ, साल भर में कभी एक बार कर पाएँ, जैसा भी हम सोच पाते हैं उसको वैसा मतलब करने का अगर एक कमिटमेंट हमारे में बनेगा तो धीरे धीरे इस तरह की चीज़ों को हम लोग आगे और सोच पाएँ। क्योंकि क्या है, सिस्टम अब धीरे धीरे बहुत बड़ा हो रहा है, व्यवस्थाएँ थोड़ी बड़ी हो रही हैं और लोगों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बढ़ रहा है, तो कई जगह यहाँ पे आवश्यकता धीरे धीरे महसूस होती है। तो एक तो ये बात है, दूसरा ये कि ये बात भी अपने को हमेशा ध्यान में बनी रहना जरूरी है कि समाज हमको कुछ दे रहा है, समाज से चीज़ें हमको मिली, जैसे हम यहाँ संस्थान आए हैं तो संस्थान जो देन देन का शास्त्र है ना, तो यहाँ पे देने में लगा हुआ है कि भी आप आए हैं तो कुछ अपने ज्ञान में भी कुछ वृद्धि हो जाए, आपके खाने पीने का भी ध्यान रखा जाए, आपके रहन सहन का भी, तो संस्थान देने में लगा है। तो हमको या पूरे समाज को देखेंगे तो हर जगह कुछ ना कुछ सब लोग देने में लगे हैं हमको, तो उस समाज को हम रिटर्न क्या वापस करेंगे उसको हमको सोचना पड़ेगा, हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि केवल लेते रहेंगे तब तो वो सिस्टम चलेगा नहीं। तो देन देन का अर्थशास्त्र ही ज़्यादा ठीक से बैठता है, तो समाज से जितना हम ले रहे हैं उतना हम उसको वापस कर रहे हैं कि नहीं, उसको भी धीरे धीरे अपने को सोचना चाहिए। वो जितना हम ठीक से सोचेंगे उतना हम सार्थकता में खुद भी लग पाते हैं और शरीर को भी लगा पाते हैं और फिर अपने धन को भी लगा पाते हैं, तो मन तन और धन तीनों लग पाते हैं और तीनों का उपयोग सुनिश्चित हो पाता है। तो इतनी बात मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, बाकी क्या बोलते हैं मैं वही सोच रहा था, मेरे को कहना भी उनकी बात मैं क्या बोलता एक तो बात सबको ही इतना ध्यान में है, ये भी ध्यान में आती है कि ये जो सामाजिक सारा प्रयास है, पारिवारिक प्रयास है, सामाजिक वजह से ये सब हम सबका एक सामूहिक प्रयास है ना, तो हम सब मिलके ही इसको सस्टेनेबल ढंग से चला सकें, इसके लिए बैकग्राउंड में बहुत सारा अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से धन की आवश्यकता होती रहती है। तो वॉलंटियर्स वाला काम तो हम लोग ठीक से डेवलप कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी कई बार बन जाती हैं जहाँ पर हमको सिस्टम का भी पूरा सहयोग, सिस्टम में भी अपनी एक लिमिटेशंस रहती हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, तो सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे इसको हम लोग ठीक से चला सके। तो अगर हर परिवार, हर व्यक्ति अगर अपना तिल भर अपना अंश कंट्रीब्यूट करेगा तो इसको फिर हम बहुत ही पवित्र ढंग से, अनवरत ढंग से, कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म बेसिस पे चला सकते हैं। तो ये जो 4-5-6 से 1-2 दिन की यात्रा होनी ना, तो उसमें हम लोग सभी लोग यात्रा कर भी पाएंगे और एक बड़े समाज के लिए, एक जनरेशन के लिए हम लोग
रास्ते तैयार कर पाएंगे। तो जैसे ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, अगर ये सारा काम इतना टीडियस काम आज है ना, इतना समय लगा के एक्सेल पे करना पड़ रहा है, अगर हमारे पास एक अच्छा रोबस्ट डाटाबेस हो तो हम उसको फिर कम समय लगाएंगे। तो अनिल भैया के जो समय लग रहा है उसको फिर हम और कहीं जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आर्थिक कारणों से हम लोग उस काम को नहीं कर पाए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी ईमेल आईडी हमने है ना उस पर ले रखे हैं, रेंट जो रेंट पे होते हैं क्या होता है उसको वो है, और इस तरह से कई बहुत सारे बैकग्राउंड में खर्चे होते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो अपना पूरा इस काम में जब उनको अपील होती है तो वो सीधा सीधा ही कूद जाते हैं बिना अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को जो है कैलकुलेट किए भी कैसे चलेगा। तो ऐसे नए नौजवानों को अगर हम सपोर्ट कर सकें उनकी मिनिमम आवश्यकताओं को, तो ये है कि फिर उनको पलट के अपने रोटी पानी के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। अगर हम सब मिलके ऐसे कुछ 4-5-10 वॉलंटियर्स का रोटी पानी का उनकी पारिवारिक आवश्यकताओं का इंतजाम कर लें, तो फिर ऐसे लोग जो अपना पूरा जीवन समर्पण करके चल रहे हैं तो वो फिर जो है इस सारे कार्यक्रम को बहुत तेज़ गति से आगे ले जा सकते हैं। हम तो फिर भी आधा घंटा एक घंटा वॉलंटियर लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसमें डूब के करते हैं। तो ऐसे लोगों का ध्यान रखना वॉलंटियर्स का, तो अगर हम मिल के करें तो ये और शेयर करते हैं तो अपनी जो आजीविका में बरकत तो होती है ना, ये सब हमको पता ही है। घर में कुछ बन रहा है खाने का, अगर हमारा देने का भाव होता है तो 4 लोग आ भी जाते हैं, तब उनका भी पूरा पड़ जाता है और हमारा भी हो जाता है। तो उस दृष्टि से अगर हम सब लोग ये मन बनाए ना कि कैसे हम लोग सस्टेनेबली जो भी हमारे से बन पड़ता है पारिवारिक है ना सहमति के साथ, उतना अगर हम करने का सोचे कॉन्ट्रीब्यूट, तो ये सारा प्रोग्राम बैकग्राउंड में सस्टेन हो पाएगा और हम लोग और बड़े लेवल पे काम कर पाएंगे, अपने देश पर भी काम कर पाएंगे और आगे चल के पूरे संसार के लिए हम इस काम को कर पाएंगे। तो आप सब लोग जो भी इनको ठीक लगे वॉलेंट्री, कोई दबाव नहीं है कि उन्होंने बोला कि 2 दिन से इतनी सारी बात कर रहे थे, तो जो है जो भी सहजता से आपको लगे है ना, मुख्य बात ये है कि आपके अंदर से जो भी फील बनती है उस फील को आप अपनी जो कहते हैं ना आप अपनी इनर वॉइस को देखते हुए जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर उसको करें तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे चरणदीप जी बैठे हैं, केसरी जी हैं, इनको आप शेयर कर सकते हैं, और कि लॉन्ग टर्म के लिए मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली बेसिस पे क्या कर सकते हैं, और जो संस्थान में अभी जो भी ये सब कार्यक्रम हुआ ये कार्यक्रम भी विधिवत अगले महीने भी वॉलेंटियर्स के लिए हो सके, तो उस दृष्टि से अभी 3 दिन की जो भी यहाँ पे बैठक रही इसके लिए क्या कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस बेसिस इसके लिए क्या कर सकते हैं इसको सोचिए। प्रिया दीदी बैठी है वो कोऑर्डिनेट करती हैं सारे काम को, तो आप इनको बता सकते हैं कि आप अपनी तरफ से क्या कमिट करेंगे, कुछ शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। इतनी बात है मोटा मोटा उसके लिए कुछ नहीं। मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ और इससे बहुत ध्यान से सोचता भी हूँ, और यूएसबी के जो लोग यहाँ इकट्ठे हैं एज वेल एज देश भर में जो हमारी टीम बन रही है, तो यूएसबी के लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होता है कि आपने यूएसबी किया हुआ है तो एक अपने आप अपना तो जागता है और लगता है कि हाँ हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। यदि हम आपस में ही आपस में कमिट कर लें जो लोग भी जॉब में हैं, यदि मिनिमम 500 रुपीज़ भी पर मंथ कोई एक ऐसा हो जहाँ पर कुछ कलेक्ट कर सकते हो, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यवस्था बन जाएगी और हम आराम से उसको बिना किसी चिंता के और बिना किसी जैसे आप चर्चा कर रहे हैं उसमें हम आराम से गो थ्रू हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मेरा विचार है कि कम से कम अपने परिवार में तो हम ऐसा कर ही सकते हैं, किसी के ऊपर कोई बर्डन भी नहीं आएगा, और पर मंथ 500 रुपीज़ कर पाना मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। वैसे मेरा विचार है, बाकी ऐसा सब ठीक है। डिफिकल्ट होता तो 50-500 भी हो जाता है, नहीं डिफिकल्ट होता तो 5 लाख 50 लाख भी नहीं होता है ना। तो जो अपने अंदर से आता है खुशी से है ना, हमारे अंदर से भाव बनता है उसके हिसाब से कर सकते हैं। पंजाब में तो जब मैं गया तो मैंने इसको बहुत ठीक से देखा कि किसान आदमी भले ही एक फसल लेता है ना 1 किलो ज़मीन में 50,000 रुपये, उसका 10% हिस्सा जो है वो गुरुद्वारे में देकर आता है, और पूरे पंजाब में 40,000 गुरुद्वारे हैं, 37,500 गुरुद्वारे हैं, 12,000 गांव है, एवरेज हर गांव में 3 गुरुद्वारे हैं। इस समय मैं फरीदाबाद में मतलब गायों के लिए काम कर रहा हूँ, तो गायों के लिए परिवार से एक दिन की रोटी के हिसाब से एक रोटी 5 रुपये की पड़ती हुई है, और अब उस हिसाब से तो 1500 रुपये एक महीने का आता है। लेकिन जितने भी लोगों से जितनी भी फैमिली से मेरा मुलाकात हुई है मिलना जुलना हुआ है, 500 रुपीज़ तो इतने खुशी खुशी को कंट्रीब्यूट कर रहे भैया कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यही प्रस्ताव मुझे लगता है कि हम लोग आपस में कर सकते हैं और उम्मीद है कि हम लोग जैसा कहें
ठीक है, तो ये अभी मिलते हैं।